कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की तिथि है। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। हम एकादशी का त्यौहार मनाते क्यों हैं? क्योंकि यह भगवान विष्णु का पसंदीदा दिन है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम एकादशी मनाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम यह व्रत रखते हैं और एकादशी की कथा करते हैं। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। जय एकादशी मैया। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप चक्रवर्ती मानधाता ने यही प्रश्न लोमश ऋषि ने किया था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। लोमश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम से एक कोस की दूरी पर खड़ी हो गई तथा सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के वर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की मकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रत्यंचा बनाई, पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर, स्तनों को पर्णकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। धावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर चेयवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई, फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही।
57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई, फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचनी हो जा, हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से क्षुब्ध सुंदर भ्रिकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके शाप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। उसे सुन, चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे सुभ्रु, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर चेवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया, सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है, अब प्रायश्चित बताइए जिससे यह पाप दूर हो जाए। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है, हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया, मुनि का पाप दूर हो गया और वो धर्मात्मा हो गए। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। हरे कृष्णा। फलाहार, इस दिन चिरोंची का सागार लिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय एकादशी मैया की। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी और इससे आपको कोई लाभ होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। इस तरह की व्रत कथाएं और श्री रामचरितमानस को सुनने के लिए चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।